हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? जीत रहे हो ना, जीतना ही चाहिए। तो स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है नो इफ़ नो कैन ओनली रोहित द हिटमैन। सो गाइस, अभी हम लोग कवर करने वाले हैं जो यूरोलीग का मैच होने वाला है अल्बा बर्लिन वर्सेस बास्कोनिया के बीच में। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल को आज गाइस फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो गाइस चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। और राइट साइड में नीचे जो आपको ये बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस ज़रूर करना है, क्योंकि जो कुछ वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसमें आपको स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, लाइनअप रिलेटेड और इंजरी रिलेटेड ये सारे अपडेट मेरे यूट्यूब के वीडियोस में मिलेंगे। और वीडियो पाने के लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और जैसे मैंने बताया राइट साइड में नीचे जो आपको ये बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस ज़रूर करना है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है रोहित द हिटमैन, ठीक है। क्योंकि लाइनअप में जो कुछ चेंजेस होते हैं लास्ट मिनट में या किसी प्लेयर की इंजरी रिपोर्ट आती है तो ये सारे अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित द हिटमैन पे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं सीधा लास्ट मैच के स्टैट्स और लाइनअप के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्बा बर्लिन के लाइनअप की, तो देख सकते हो ऑस्कर डा सिल्वा, एम डी लो, एल सिग्मा, जे स्मिथ और वाई जुजमैन, ये पांच जन ने स्टार्ट किया था लास्ट मैच में, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे बेंच प्लेयर की तो आप देख सकते हो ब्लाट, एम्लो, मैटिसेक, निकिच, ओलिएंडे और टी सिटनियर, ये लोगों ने बेंच से खेला था अल्बा बर्लिन के टीम के लिए। परफॉर्मेंस देखेंगे अभी 84-70 से अल्बा बर्लिन विन की थी लास्ट मैच। परफॉर्मेंस देखते हैं ऑस्कर डा सिल्वा का 22 पॉइंट्स, 5 रिबाउंड 34 मिनट्स में, एल सिग्मा 13 पॉइंट्स, 9 रिबाउंड 5 असिस्ट 32 मिनट्स में, एम्लो 21 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड 5 असिस्ट 25 मिनट्स में, एल ओलिंडे 9 पॉइंट, 3 रिबाउंड 1 असिस्ट 25 मिनट्स में, जे स्मिथ 3 पॉइंट, 2 रिबाउंड 7 असिस्ट 25 मिनट्स में, बाद में वाई जुजमैन 7 पॉइंट, 3 रिबाउंड 1 असिस्ट 19 मिनट्स, एम डी लो 2 पॉइंट, 3 रिबाउंड 13 मिनट्स में, बाद में टी सिटनियर 5 पॉइंट, 3 रिबाउंड 13 मिनट्स, जे मैटिसेक 2 पॉइंट्स, 1 असिस्ट 13 मिनट्स में, टी ब्लाट 1 रिबाउंड 1 असिस्ट 6 मिनट्स में, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे जो सेकेंड टीम है बास्कोनिया का। स्टार्टिंग लाइनअप में देख सकते हो एम कोस्टेलियो, एस फोंटेचियो, आर गिडरेटिस, जे ग्रेंजर, एल एनोको, ठीक है। और बेंच से खेले थे बाल्डविन, बेरेरिया, एंकोच, कुरुक्स, बाद में देख सकते हो वी मार्कोंक्विक और टी सेड्रिकिस। परफॉर्मेंस अभी बात करेंगे 81-79 से विन किया था बास्कोनिया का टीम। टॉप स्कोरर थे गिटरेटिस 16 पॉइंट्स के साथ, 5 रिबाउंड 34 मिनट्स में, एस फोंटेचियो 16 पॉइंट, 7 रिबाउंड 4 असिस्ट 28 मिनट्स में, जे ग्रेंजर 12 पॉइंट, 3 रिबाउंड 9 असिस्ट 26 मिनट्स में, टी सिटक्रिस 15 पॉइंट, 6 रिबाउंड 1 असिस्ट 25 मिनट्स में, एल एनोको 4 पॉइंट, 9 रिबाउंड 24 मिनट्स में, वी बाल्डविन 7 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड 3 असिस्ट 19 मिनट्स में, एस एनोच 7 पॉइंट्स, 5 रिबाउंड 17 मिनट्स, वी मार्विनकोविच 3 पॉइंट्स, 1 असिस्ट 14.58 सेकंड्स में, बाद में कोस्टिलियो 1 पॉइंट्स, 1 असिस्ट 13 मिनट में, लास्ट में खेला था कुरुक्स 2.40 सेकंड जिसने उसमें 1 रिबाउंड अपने टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया था। दोनों टीमों के स्टैट्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बता दिया है मैंने आपको। सीधा बात करेंगे आज के मैच की, जो प्रोबेबल टीम का कॉम्बिनेशन होगा उसकी तरफ अभी हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले मैंने पिक किया है पॉइंट गार्ड सेक्शन से एम लोग को जो स्टार्ट करते हुए देखेंगे बर्लिन के लिए, ग्रेंजर को मैंने पिक किया है जो बास्कोनिया के लिए आपको स्टार्ट करते हुए देखेंगे, ठीक है। यहाँ से आप ग्रेंजर को निकाल के बाल्डविन को ले सकते हो या फिर जेलन स्मिथ को भी यहाँ से आप अपने टीम में पिक कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने ग्रेंजर को पिक किया, कोई क्रेडिट इशू नहीं वाला है। तो बाल्डविन जो बेंच से खेलेगा और स्मिथ जो आपको खेलते हुए देखेगा बर्लिन के लिए, ठीक है, तो इसको अगर आप चाहो तो अपने टीम में रख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं ग्रेंजर के साथ जाऊंगा। शूटिंग गार्ड से मैंने पिक किया एम डीलो को, ठीक है। एम डीलो के प्लेस पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ से होने वाला है जेलन स्मिथ। तो हम लोग अभी कोशिश करेंगे हम लोग अपने टीम में मैनेज करने के लिए, तो एस फोंटेचियो को यहाँ से मैं निकालूंगा, जेलन स्मिथ को यहाँ से मैं अपने टीम में पिक करूंगा, ठीक है। बाद में हम लोग को जो टी सीट के यहाँ से अच्छा ऑप्शन है जो बेंच से खेलता है, ठीक है। सबसे रिस्क कॉम्बिनेशन की अगर बात करूँगी जो मेरा पर्सनल कॉम्बिनेशन होने वाला है ये मैच में, तो आप यहाँ से देख सकते हो सिडकेडिस गिडरेटिस को यहाँ से मैंने मेरे टीम से रिमूव किया है, एल ओलिंडे को मैंने यहाँ से पिक किया है, ठीक है। यहाँ से जेलन स्मिथ है मेरे टीम में, यहाँ से एम्लो है, ग्रेंजर है, ठीक है, और एस फोंटेचियो। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ जाना मैं प्रेफर करूँगा, लेकिन बहुत रिस्क होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास क्रेडिट नहीं है गिडरेटिस को लेने के लिए, ठीक है। तो गिडरेटिस या फिर फोंटेचियो को अपनों को एक
आपको पिक करना है तो मैं पिक करूँगा गेट रेडी स्कोर, और जो 10.5 बचते हैं हम लोग के पास वहाँ से टी सेटग्रे से आप ले सकते हो, टी ब्लाट यहाँ से ले सकते हो, एम डिलो आपको स्टार्ट करते हुए दिखेंगे, या फिर डब्ल्यू बाल्डविन को ले सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं पिक करूँगा डब्ल्यू बाल्डविन को, ठीक है। तो जैसे बताऊँ मैं आपको कि एम्ब्लो डब्ल्यू बाल्डविन जेक रेंजर को यहाँ से मैंने पिक किया है, शूटिंग गार्ड सेक्शन से मैंने पिक किया है जेड स्मिथ को, एस एफ सेक्शन से मैंने पिक किया आर गेट रेडी को, पी एफ सेक्शन अगर आप देखोगे तो एल सिकमा ओ डा सिल्वा को यहाँ से पिक किया, और सेंटर से मैंने पिक किया एस एनोज को। तो गाइस ये होने वाला है मेरा प्रोबेबल कॉम्बिनेशन इस मैच के लिए। एसपीपी के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन होने वाला है एल सिकमा, और पीपी के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन होने वाला है आल गिट्रेटिस, ठीक है। गाइस डिफरेंशियल अगर आपको पीपी के लिए चॉइस बताऊँ जो अच्छा हो सकता है ये मैच में आपके लिए पॉइंट साबित हो सकता है वो है ओ डा सिल्वा, ठीक है। ग्रैंड लीग में इसको एसपीपी ज़रूर ट्राई करना है, स्मॉल लीग में अगर आप डिफरेंशियल करना चाहते हो तो ओ डा सिल्वा को पिक कर सकते हो एज अ पीपी जो आपको स्टार्ट करते हुए दिखेगा अल्बा बर्लिन के लिए। तो गाइस ये कॉम्बिनेशन के साथ मैं जाना प्रेफर करूंगा। अगर लाइनअप में कुछ चेंजेस होते हैं या किसी प्लेयर की इंजरी अपडेट आती है तो वो सारे अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित द हिटमैन पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच, डू योर बेस्ट, एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।